नमस्कार, केएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। सरकार खेल कूद प्रोत्साहन के नाम एक और करोड़ों खर्च करके बच्चों को खेलकूद से दक्ष बनाना चाहती और अधिकारी अपनी जेब भरने के भरसक प्रयास में जुटे हैं। बड़वारा जनपद शिक्षा केंद्र अंतर्गत शासकीय शालाओं में वितरित की गई खेल सामग्री की पड़ताल में पता चला कि खेल सामग्री गुणवत्ताहीन और सस्ते भाव में क्रय की गई सामग्री है कि जिसकी शिकायत जनपद शिक्षा केंद्र अधिकारी को करके क्रय विक्रय वितरित की गई खेल सामग्री की जांच और दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। शिकायतकर्ता के अनुसार शिकायतकर्ता पत्रकार समाजसेवी विनोद पोरहा के मुताबिक जनपद शिक्षा केंद्र प्रभारी बीआरसी के कोटे से आई रकम से खेल सामग्री को क्रय करने के उपरांत सामग्री को प्रत्येक शाला में भिजवाया गया और शालाओं से सामग्री के साथ भेजे गए बिलों में शाला प्रभारी के सील दस्तखत कराकर व्यापारियों को ना कुछ कीमत की सामग्री के 5,000 और 10,000 रुपये की रकम भुगतान कर दी गई, जिससे जाहिर होता है कि ऐसा करने के पीछे की मंशा साफ नहीं थी। निश्चित ही संबंधित विक्रेता और क्रेता के मध्य किसी अनुबंध के तहत ही घटिया सामग्री वितरण कर बड़ी राशि डालकर ली गई है, जहाँ एक परिसर एक शाला जैसी जगह पर भी एक किट के द्वारा ही काम चल रहा है, जबकि परिसर की दोनों शालाओं को एक एक किट उनकी दी जानी थी, अनिवार्य थी, ताकि दोनों शालाओं के बच्चे खेल कूद कर सकें। लेकिन लालची अधिकारी व्यापारियों के साठगांठ के कारण सस्ते दाम की खेल सामग्री को स्थित अनुसार वितरित करके जेब भरी गई और पोल खुलते ही नोटिस जारी कर जांच की बैठक उठा ली गई। जबकि गुप्तचर जानकारी अनुसार नोटिस से नाराज शाला प्रभारी ने अपना ठीक रहा औरों के सिर फोड़ने वाली बात कहकर खुलकर विरोध करने की बात कही। बहरहाल वक्त बीतने से मालूम पड़ेगा कि जांच की आंच से किसे तपन आती है। जिस प्रकार से बड़वारा जनपद शिक्षा केंद्र अंतर्गत खेल सामग्री को लेकर भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आया है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? खेल सामग्री के लिए हमने SMC को ही अधिकृत किया था। इस संबंध में हमारे पास अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है, आपके माध्यम से हमें आज ही पता चला है। और अगर किसी भी SMC से, अगर किसी भी स्कूल से अगर ऐसी अनियमितताएं आई है, उसकी हम जांच करेंगे। हमारा विकास खंड में समस्त विद्यालयों में जो BRC द्वारा जो एक फंड आया था, जिसमें खेल सामग्री और जो कूलर और फैन वगैरह जो देने थे, उनमें से बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार दिखा है। आपके पास कुछ अभिभावक आए थे क्या? जी, मेरे पास कई अभिभावक आए थे और बच्चे स्कूल क्या कहना था उन अभिभावकों का? और स्कूलों बच्चों को भी कहना था कि बहुत ही घटिया सामग्री है, जबकि उनमें कई हजारों की राशि है। क्या लगता है सामग्री देख के? सामग्री बिल्कुल पूरा सबसे कम दामों की वहाँ पर सामग्री उपलब्ध कराई गई है। जबकि बिल कितने के लगे? जबकि बिल उसमें कई हजारों के लगे, जैसे 5,000 का बिल है प्राइमरी में, तो वहाँ जाके इसके महज 2,000 में ही वो काम समेट दिया गया है। मैं एक सत्ता पक्ष के एक भाजपा मीडिया प्रभारी होने के नाते मैं ये उन्हें समझाई देना चाहूँगा और मैं उनको चेतावनी देता हूँ। उच्च अधिकारियों से क्या कहेंगे आप? उच्च अधिकारियों से मैं उनकी शिकायत करते हुए उनको यह बताऊंगा और चेता भी रहा हूं कि ऐसा घोर लापरवाही, ऐसी हमारी सरकार को बदनाम करने में जो किया जा रहा है, यह कतई खेल का सामान भी दिया गया यहां पर तक। जी, दिया तो गया है। हाँ। लेकिन बहुत ही कम दामों के, घटिया किस्म के हैं वो। और सुनने को मिला है कि 10-10, 20-20 हज़ार रुपए के बिल लगाए गए। जी हाँ, बिल सही है, जो HM उनसे कॉन्टेक्ट किया जा रहा है वो बिल पर सहमत है, लेकिन उन्हें बिल के अनुरूप वह मजबूरी है, उनकी नहीं दी गई है। क्या नाम है आपका? खेमचंद यादव। क्या है शिक्षक के द्वारा क्रय किया जाना, मतलब जो अपनी शाला प्रबंधन समितियां हैं उनको ही क्रय करना, और उनके द्वारा अगर सामग्री कम मात्रा में या गुणवत्ता युक्त नहीं ली गई है तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी, क्योंकि शासन के यही निर्देश थे इस वर्ष में। इसके पूर्व में तो डायरेक्ट खाते में SMC के पैसे जाता था, पर इस सत्र में PFM पोर्टल के माध्यम से पेमेंट हुए हैं, तो PFM पोर्टल में अपने जो SMC थी वो लिंक नहीं थी, तो शासन ने निर्देश किया था कि BRC कार्यालय से ही इनके भुगतान किए जाएं। बिल प्रस्तुत करेंगे अपने, SMC क्रय करेंगे और SMC के द्वारा जब क्रय आदेश मतलब बिल आएगा उसका पेमेंट हमारे यहाँ से। कई जगह पटेल जी जैसे फैन वगैरह दिए गए, फैन का कोई प्रावधान नहीं है, किसी प्रकार का शासन से कोई निर्देश नहीं है। अगर शिक्षक फैन खरीदे हैं तो उसका भुगतान शिक्षक के द्वारा ही होगा, हमारे कार्यालय से किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं है, यहाँ से भी खाली खेल कूद का खेल सामग्री, मतलब जो शासन ने SMC ने भी क्रय किया है। और वो 21 तारीख के सर ऐसे कितने विद्यालय हैं कि जो आपके कंपनी मतलब आपके द्वारा खेल कूद की सामग्री दी गई? देखिए, सभी विद्यालयों में खेल सामग्री गई। कितने कम से कम विद्यालय कि जैसे जहाँ जहाँ जिस टीचर मतलब जिस दुकान से खरीदते थे
मतलब बैंडर ही बता देता हूँ, जैसे अपने यहाँ बड़वारा में परिहार यहाँ से कुछ लोगों ने खरीदा, विलायत कला में है तो अपने पाठक जी के यहाँ से खरीदा, मिश्रा जी के यहाँ से खरीदा, यहाँ कटनी से सुभंग वालों से खरीदा, मतलब कई बैंडर से, मतलब जिसकी जहाँ इच्छा थी वहाँ वो क्रैक कर सकते थे। बरही साइड में बरही वालों ने खरीदा, मतलब ऐसा नहीं था कि किसी एक बैंडर से क्रैक करे, ऐसी स्थिति नहीं। तो ये टीचर लोग खरीदे? टीचर SMC द्वारा, टीचर द्वारा।